हेलो दोस्तों, आज हम जीपीएस की इंस्टॉलेशन करने आए हैं महिंद्रा की पिकअप में। महिंद्रा बलेरो मैक्सी ट्रक पावर स्टीयरिंग। मैं भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह बताता हूँ, इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करेंगे बताता हूँ। जो बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं भी इसके कनेक्शन वगैरह आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके अंदर का जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पर चाबी लगेगी और नीचे का इसके अंदर सेम थार वाला सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर कोई पेंच वेंच नहीं लगता, सिर्फ लॉक वाला सिस्टम है। ये भाई ने गाड़ी की चाबी ऑन कर दी है, तो इसके अंदर आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेंगे, स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसके जो है कनेक्शन वगैरह देख लेते हैं। इसको एकदम निकालेंगे, प्यार से निकल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लॉक है। और यहाँ ये इसके ये मोटा सा प्लग है डबल वायर का, यही हमारा पावर इग्निशन इसी के अंदर होगी। दूसरा वाला प्लग हमारे को नहीं छेड़ना, हमारा काम सिर्फ इस प्लग से, हम इसी के अंदर अपनी वायरिंग वगैरह करेंगे। तो खोलने के लिए इसके अंदर पेचकस डाल के खींच लेंगे तो निकल जाएगा आराम से। इसमें जो पतली वायर आप देख रहे हैं ये इग्निशन की है, और जो थोड़ी एक मोटी वायर है वो पावर की है। इसके अंदर इन्होंने पहले से कुछ लगाया हुआ है, हम यहाँ से निकालेंगे वहीं लगा देंगे, पावर में लगा हुआ है। हमने इसमें थिम्बल निकाल लिया है, इसके अंदर भी ऐसे निकलेगा। इसके अंदर एक लॉक होता है, लॉक को प्रेस करेंगे निकाल लेंगे, दोनों साइड से निकाल ले रहे हैं। इसके अंदर जो हम डिवाइस है वो अटलांटा का C100 यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लैक बक कंपनी के अंदर इसे BB100 के नाम से जानते हैं। और ये इसके अंदर हम 12 वोल्ट की रिले यूज़ कर रहे हैं, 12 वोल्ट बैटरी के साथ ये गाड़ी है। ये इन और आउट में लगेगी, जो दो ग्रीन वायर दिख रही है और जो वाइट है ये पावर के अंदर लगेगी मेन सप्लाई में, और जो इसकी पीली वायर है वो इसके रिले कमांड के लिए कमांड वाली वायर है। जो डिवाइस की वायरिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर थोड़ी वायरिंग अलग होती है, चार वायरिंग होती है। इसकी ग्रीन वाली इग्निशन की वायर है, रेड पावर की है, ब्लैक अर्थिंग की है और वाइट रिले की है, रिले कमांड वायर है। तो इसका अर्थिंग के लिए हम एक मोटे नट को यूज़ करेंगे, 12 नंबर का नट होता है इसके अंदर भी, सामने लगा हुआ जैसा कि आपको दिख रहा होगा वो लगा हुआ, उसी में लगाएंगे अपनी अर्थ को, ताकि हमारी जो अर्थिंग वगैरह लूज ना हो और कहीं इधर उधर ना जाए। इसको पहले किसी जगह पर बांध लेंगे सेपरेट। ऐसे बांधने के बाद इसे अंदर लगाने के बाद अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि कहीं लूज वगैरह ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसमें बांधते से इसलिए हैं ताकि कोई झटका वगैरह लगे तो ये निकल ना जाए, ज़्यादा करके केसेस में निकल जाती है झटके से। जैसे हमने बांध दिया और अच्छे से टाइट कर दिया। तो हम इसकी जो है पावर की जो वायर है इसको छील लेंगे, जो हमने उसका जो कपलर का थिम्बल निकाला है उसके अंदर ही लगाना है इसे हमें, और एक बीच में से थोड़ा सा छील लेंगे इसको, हल्का सा अलग कट नहीं करेंगे, सिर्फ छीलेंगे हल्की सी तार को, और इस पर अपनी जो है रिले की वाइट वायर लगा देंगे। वाइट वायर लगाने के बाद में यहाँ पे अच्छे तरीके से टेपिंग वगैरह कर देंगे, क्योंकि ये मेन सप्लाई है, अगर ये कहीं पर टच होगी तो इसके फ्यूज़ वगैरह उड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इसमें टेपिंग वगैरह कर देंगे। और जो ये हमारा जो डिवाइस है, ये साइड की रबड़ हम खोल लेंगे, इसके अंदर ये स्विच होता है और ये यहाँ पे इसकी सिम पड़ती है, ये दबाने वाली है, दबा के ये अंदर बैठती है निकलती है। इसके अंदर स्विच अगर हम इसे ऑन नहीं करेंगे तो हमारा डिवाइस जो है एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर पावर आती रहेगी। तो डिवाइस को ऑन कर लेंगे जब हम प्लग इन कर देंगे तो। और यहाँ पर भाई ने हमारे पावर के जो कनेक्शन है वो चालू कर दिए। कनेक्शन के लिए इसके अंदर ही अच्छे तरीके से तार को लगा देंगे, अच्छे तरीके से लपेट देंगे बढ़िया तरीके से। और हमें अपने कपलर का ध्यान रखना है, हमने दोनों वायर निकाली थी, उसमें ध्यान रखना है हमें कि हम किस साइड से कौन सा लगना है।
तो जैसा कि भाई ने इसको मिला के देख लिया था कौन सा किस साइड से बैठेगा। अगर ये सही तरीके से वैसे टाइट हो जाएगा, ये ऐसे पिन पेचकस की मदद से अंदर बैठा लेंगे। अभी बैठ चुका है पूरा अंदर। अब इसका दूसरे साइड वाला प्लग इसमें अटैच कर देंगे, क्योंकि इग्निशन हमने दोनों साइड से निकाल लिया। हमारा जो डिवाइस है उसे कनेक्ट करके देख लेंगे इसमें लाइट वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। जो हमारी जो लाइट इसके अंदर डिवाइस के अंदर आ चुकी है, इसके अंदर देखने में लग रही है तीन लाइट होती है लेकिन इसमें चार लाइट होती है। ये रेड वाली लाइट आप देख रहे हो, रेड वाली लाइट, इसके अंदर दो लाइट होती है। अगर आप डिवाइस को ओपन करोगे तो इसके पीसीबी के अंदर होती है दो लाइट होती है ये, और एक ये ग्रीन सिंगल होती है और इसके बाद में एक ब्लू वाली होती है। तो पहले जो हमारी जो ढंग से अर्थ नहीं लगेगी तो सिर्फ रेड जलेगी, जब ढंग से हमारी अर्थ लग जाएगी तो रेड के साथ एक ग्रीन भी जलने लग जाएगी, और उसके बाद फिर ये थोड़ी देर के बाद ग्रीन जलेगी, और जब ये ब्लिंक करने लग जाएगी तो फिर इसके थोड़ी देर के बाद ब्लू ब्लिंक करेगी। तो हमारे ये नेटवर्क पूरी तरीके से आ चुके होंगे इसके अंदर। तो ये हो गया डिवाइस का जो भी है डिस्क्रिप्शन जो भी है। अभी अब हमारी इग्निशन के लिए कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे इग्निशन की दोनों साइड से हमने वायर निकाल दी थी, क्योंकि इसके थिम्बल जो हैं बाकी थिम्बल के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं, तो हमारे पास ये थिम्बल थे नहीं, तो हमने इसमें यही लगा दिए। यहाँ से लूज़ होने का कोई चांस नहीं रहेगा, दोनों साइड से निकाल देंगे तो अगर उसमें वायर डाल के काम करेंगे तो लूज़ होएगा, फिर बीच बीच में मिसिंग मारेगी गाड़ी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसी के अंदर अपने डिवाइस का जो इग्निशन वायर भी इसी में लगा देंगे, क्योंकि इग्निशन वायर पहले से ही है। दोनों साइड में से किसी भी साइड आप अपनी इग्निशन की वायर लगा सकते हो, चाहे इस साइड लगा दो चाहे उस साइड, क्योंकि हमने दोनों साइड की निकाली हुई है। तो रिले की जो दोनों साइड है, एक साइड इस तरफ जाएगी एक साइड दूसरी तरफ जाएगी, तो अपनी जो डिवाइस की कमांड वायर है इग्निशन की कोई सी भी साइड हम लगा सकते हैं, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, कोई इशू नहीं। यहाँ पर भाई ने और बढ़िया तरीके से काम कर दिया है दोनों को मिला के, उसके अंदर से तार डाल के बांध देने से अभी बिल्कुल भी हल्का सा भी लूज़ नहीं होगा, मतलब मिसिंग का कोई चांस नहीं रहेगा कि गाड़ी मिसिंग करे। हल्का सा भी अगर थिम्बल लूज होता है तो मिसिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छे तरीके से करके इसको सेट कर देंगे ऐसे, उसके बाद इस पर टेपिंग अच्छे से कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसमें टेपिंग कर देंगे बढ़िया से, क्योंकि चाबी ऑन होने के बाद इसके अंदर भी सेम सप्लाई अन लग जाती है, जो मेन सप्लाई वाली सप्लाई है वो इसमें भी अन लग जाती है। तो अगर ये ओपन रहेगा, ये भी कहीं टच होगा, तो इससे भी फ्यूज जुड़ेंगे आपके। तो जो हमारे दो कनेक्शन हो चुके हैं, अभी हमारी रिले कमांड की वायर है, इसके साथ हमने बताया था ये वाइट वाली वायर लगेगी, इसमें थोड़ा कलर का थोड़ा जो कोडिंग है, कलर कोडिंग वो थोड़ी अलग है, इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से बांध देंगे। जो डिवाइस के अंदर जो है ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग गई है, तो अभी इसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी तो नेटवर्किंग प्रॉपर हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे टेपिंग करके इस पर छोटी टाई बांध देंगे, ताकि इसका जो ग्लू वगैरह छूट भी जाए तो हमारे जो टाई से टेपिंग रुकी रहे। और शॉर्ट वगैरह होने का कोई चक्कर नहीं रहे, तो अगर आपके पास रहे तो इसे ज़रूर बांधें। तो हमारी जो एक ये वायर थी जो गाड़ी के अंदर पहले से लगी हुई थी, ये बाहर रह गई है, हम इसे दोबारा से लगा दे रहे हैं। गाड़ी के अंदर आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कोई भी वायर ऐसे ना छोड़े, क्योंकि कई बार वायर हॉर्न की होती है, लाइट की होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, पंखे वगैरह की, बाद में कस्टमर परेशान ना हो। अब इस पर हम टेपिंग कर देंगे। छोटी टाई की मदद से हमने इसकी जो अलग से तार लगी थी वो भी बांध दिए। ये जो हमने वायर खुली छोड़ी है, इस पर इसको टेस्टिंग के लिए छोड़ते हैं, ताकि रिले वगैरह टेस्ट हो जाए। चाबी ऑन करने के बाद गाड़ी में लाइट आ चुकी है, जैसे अब हम इसे लेके अर्थ में टच करते हैं तो जो गाड़ी की लाइट चली जाएगी। तो देखो यानी अब हमारी जो रिले की कनेक्शन है प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं, तो यहाँ से हटाने के बाद में लाइट आ जाएगी। तब जो हमारे कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, जैसे अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करी है, अभी हम इसको टच करेंगे नीचे,
बंद हो गई है गाड़ी, हटाने का लाइट आ जाएगी, देखो आ गई ना लाइट। तो दोस्तों अब जो हमारे कनेक्शन ओके हो चुके हैं, हम डिवाइस को अभी पैक करके दिखाते हैं आपको कि डिवाइस कैसे लगाना है। जो हमारा जो डिवाइस है वो इस पोजीशन में लगाना है हमें, अगर हम इसे ऐसा लगा देंगे आड़ा या फिर ऐसे उल्टा लगा देंगे तो नेटवर्किंग में दिक्कत होती रहेगी, इसलिए हमें इसी पोजीशन में लगाना है। ये स्काई साइड है, ये इसका एंटीना साइड होता है, तो अभी हम इसको भी लगा के दिखाते हैं आपको और बाकी वीडियो में आगे बने रहें, क्योंकि अगर आप बीच में मिस कर देते हैं कोई चीज़ तो आपको दिक्कत होती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। अब इसका जो कपलर है इस पर अच्छे तरीके से टेपिंग कर देंगे ताकि इसमें कोई कार्बन वगैरह ना आए, हल्का सा ही पानी आता तो इसमें कार्बन लग जाता। तो ये जो क्लीन टेप है पन्नी से हम इसको अच्छे तरीके से पैक कर देंगे ताकि अगर कभी गाड़ी धुलती उलती है या कभी बारिश वगैरह में कोई दिक्कत, कभी से कोई इसमें पानी जाने का कोई चांस ना रहे, तो अगर डिवाइस में पानी चला जाएगा तो वारंटी आउट हो जाएगी डिवाइस की, इसलिए अच्छे तरीके से हम इसे पैक करके देते हैं। इसकी लाइट को जो अच्छे तरीके से टेपिंग कर देंगे ताकि इसकी लाइट वगैरह ब्लिंक करती ना दिखे, जो इतनी सारी तारें हो गई हैं अलग से तो अच्छे से टेप कर देंगे ताकि वायर इधर उधर लटके नहीं पैरों में ना आए। अब जो हमारा जो डिवाइस है पैक हो चुका है और हमारे जो वायरिंग वगैरह जो यहाँ वो फैली पड़ी थी वो भी हमने सेलेक्ट कर दी है, हमारे कनेक्शन जो है यहाँ से एकदम ओके हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी हमने अर्थ वायर लगाई है, ये लगाई हमने यहाँ पे इसकी अर्थ, यहाँ पर हमारी अर्थ लगी हुई, तो हम डिवाइस को अंदर बांध देंगे स्काई साइड की फेसिंग करके। तो हमने अपने डिवाइस को जो है एक मोटी सी वायर के अंदर वो पीछे बांध दिया, अब यहाँ से हिलेगा नहीं, हमने अच्छे तरीके से टाई वगैरह कर दिया। तो अब जो हमारा ये रिले रह गया, रिले को भी अच्छे तरीके से हम बांध देंगे। हमारी इंस्टॉलेशन जो है डन हो चुकी है, अभी हम इसको पैक करके दिखाते हैं, गाड़ी के ऊपर चेक कर लेंगे, पैक करके मैं आपको गाड़ी के ऊपर चेक करके दिखा देता हूँ। तो हमने अपना रिले को अच्छे तरीके से यहाँ पर टाई करके बांध दिए, तो हमारे कनेक्शन वगैरह ओके हो चुके हैं। ये हमारा इसमें OBD के लिए दिया हुआ है, जैसे OBD अगर GPS इंस्टॉल करना चाहो तो इसके अंदर लाके प्लग एंड प्ले हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर गाड़ी में कोई वायरस वगैरह आता है वो भी यहीं से चेक होता है। हमने अपनी गाड़ी को पैक कर दिया, इसको स्टार्ट वगैरह करके भी हमने इसको चेक कर लिया, मीटर में भी कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ लाइट वगैरह थी सब प्रॉपर चल रही है। पैक कर दिया अब हमने गाड़ी को, महिंद्रा बलेरो पिकअप की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, पावर स्टेयरिंग के साथ है, न्यू मॉडल गाड़ी है ये, तो इसके अंदर हमने GPS की जो इंस्टॉलेशन वगैरह डन कर दी है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, और जो बंदे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसी जानकारी और मैं देता रहूँगा आपको। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।